इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि आप रेविट में वॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे आप कैसे मेजर कर सकते हैं और उसकी हाइट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यूनिट कैसे सेट करेंगे, यानी आप कैसे यूनिट सेट करेंगे। कहने मतलब ये है कि अगर आप फीट इंचेस में काम करना चाहते हैं या मीटर में करना चाहते हैं या एमएम में या सेंटीमीटर में, तो आप यूनिट पहले कैसे सेट करेंगे। आपको बता दें, यूनिट सेट करने के बाद ही आप वॉल क्रिएट करिएगा, क्योंकि जब आप यूनिट सेट नहीं करेंगे तो अगर आप फीट में रह लेंगे, अगर वहाँ पे मीटर या इंचेस में है तो वो मीटर या इंचेस में लेगा। चलिए आपको बताते हैं यूनिट कैसे सेट करना है। सबसे पहले आपको कीबोर्ड से UN प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जिसमें एंगल एरिया कास्ट पर स्क्वायर मीटर दिखाई दे रहा है, सॉरी कास्ट पर एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस, लेंथ और मास डेंसिटी, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है मीटर स्क्वायर में है एरिया। चलिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मीटर दिखाई देगा, यहाँ पे राउंडिंग दिखाएगा और यहाँ पे यूनिट सिंबल दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि आपका स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर इंचेस में, स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर है। चलिए हम स्क्वायर फीट में कर देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे भी स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो 2 डेसिमल तक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 डेसिमल ही रखा हूँ, अपने अनुसार आप यहाँ पे 2 डेसिमल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस भी जो है इसको भी आपको जो है कि फिट में कर देना है। फिट में करने के बाद फिर जो है कि यहाँ पे जो है वैल्यूम को भी आपको फिट में ही कर देना है, और यहाँ पे जो है 0 डिजिट में कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लेंथ जो है इसको भी आपको फिट में कर देना है, यानी लेंथ हो गया आपका फिट में, ये भी फिट में हो गया, ये आपका जो है कॉस्ट पर एरिया जो है इसको भी मैं फिट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ अपने फिट में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है वैल्यूम, ये आपका यूनिट सेट हो गया। फिर से आप देख सकते हैं एक बार, इसको जो है हमने स्क्वायर फिट में किया हुआ है। चलिए अब हम वॉल को क्रिएट करते हैं। अब चलिए वॉल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको ओके करना है। उसके बाद फिर यहाँ से आके आपको एक वॉल लेना है। वॉल लेने के लिए आप कोई भी वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉल हैं। तो चलिए मैं एक वॉल ले लेता हूँ, ये वॉल मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी हाइट जो है दे देता हूँ, लगभग 12 फीट मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। और वॉल की जो है कि यहाँ पे अब मैं क्रिएट करता हूँ। जब मैं वॉल को बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 34, 32, उसके बाद ही 35.500 लिख रहा है, इसका मतलब 35 फीट 5 इंच है ये। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका वॉल जो है दिखाई दे रहा है डायमेंशन। तो मुझे अगर लेना है 20 फीट, तो मैं यहाँ से जो है कीबोर्ड से 20 के बाद फिर इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 20 फीट हो गया। फिर मैं 30 करता हूँ इंटर, डबल इन्वर्टर जो काम है वहाँ पे आपको जो है कि करना है इंटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये हमने जो है कि सेंटर टू सेंटर लाइन पर जो है किया है, आप देख सकते हैं ये हमने वॉल क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा जो है यूनिट सेट करने के बाद हुआ। अब यहाँ पे आके हम इसे मेजर करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा वॉल जो है हमारा ये कितने फीट बाय कितने फीट का है। यहाँ पे जो है हमारा 21 फीट का दिखाई दे रहा है। आपको बता दें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमने सेंट्रल लाइन मेथड से किया है, तो सेंट्रल लाइन मेथड की वजह से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसका जो वॉल है इसको हमने जो है एडिट नहीं किया था, जाके इसकी जो थिकनेस है इसको हमने 9 इंच या 6 इंच में नहीं किया था, इसकी वजह से आपको टोटल ये जो दिखाई दे रहा है 21 फीट दिखाई दे रहा है। चलिए आपको एक वॉल हम लेके जो कि यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको जो है कि दिखा देते हैं फिर से हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जो है एक वॉल क्रिएट यहाँ पे कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम आपको मेजर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसे मेजर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपका 15 फीट पूरा दिखाई दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसे जो है कि यहाँ पे जो है कि एक्सटेरियर से लेके किया था, इसकी वजह से यहाँ पर हमने सेंटर लाइन से किया था, इसकी वजह से यहाँ पर 21 दिखाई दे रहा था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप जो है कि रेविट में यूनिट सेट कर सकते हैं। आप यूनिट सेट करने के बाद ही इसमें कोई वर्क करिएगा। तो ये था हमारा वीडियो आज रेविट पे यूनिट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको रेविट का वीडियो हर लेक्चर देखना है, यानी कि आप कैसे रेविट में वॉल क्रिएट करते हैं, रेंडरिंग तक कैसे करते हैं, उसमें फर्नीचर कैसे लगाएंगे, तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने हर वीडियो बनाया हुआ है। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए सिविल इंजीनियर संजीत चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।